हामिद खान ने भी मुल्क में आईनी ब्रेकडाउन का खदशा जाहिर कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हामिद खान ने भी मुल्क में आईनी ब्रेकडाउन का खदशा जाहिर कर दिया। निजी न्यूज के प्रोग्राम माज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए हामिद खान ने कहा कि मौजूदा हुकूमत खुद गैर आईनी हरकतों से मुल्क को आईनी ब्रेकडाउन की तरफ ले जा रही है। इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद नहीं होता तो सारा आईनी निजाम तबाह हो जाता है। पहले भी इसी वज़ीर आज़म ने इंतखाबात से मुतल्लक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं किया था। रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती के खिलाफ थाना सिटी में दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। अलीड फोर्स के सब इंस्पेक्टर की मुदय्यत में दर्ज मुकदमे में कहा गया कि पुलिस मुहर्रम अल हराम के दौरान स्नैप चेकिंग के लिए जफर कलोनी गई थी। मुकदमे में कहा गया कि चेकिंग के दौरान जमशेद दस्ती और इनके साथियों ने पुलिस को रोका, सलाह छीनने की कोशिश की और पुलिस पार्टी पर फायरिंग की, जिसके बाद जमशेद दस्ती और इनके साथी फरार हो गए। इससे पहले भी जमशेद दस्ती ने बुध को एक वीडियो बयान में इल्जाम लगाया था कि इनके घर पर 25 लोगों ने हमला किया। मुल्क में शदीद गर्मी और हब्बस में बिजली की लोड शेडिंग से शहरी परेशान। मुख्तलिफ शहरों में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का दुरानिया भी बढ़ गया। कराची में बिजली की लोड शेडिंग बेकाबू हो गई। शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग ने वाम का जीना महाल कर दिया। लियाकताबाद नाजमाबाद में 18 घंटे की लोड शेडिंग जारी। खरादर माड़ीपुर कुरंगी अल्लावाला टाउन में 15 घंटे से शायद लोड शेडिंग की जा रही है। तवील लोड शेडिंग के बाद शहरियों को पानी की किल्लत का भी सामना है। शहरियों का कहना है की घंटों की लोड शेडिंग के बावजूद बिजली के बिलों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में मजीद इजाफे का फैसला। बजट में ग्रेड 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा 10% किया गया था, जिन्हें बढ़ाकर 25% करने का फैसला किया गया है, जबकि ग्रेड 17 से ऊपर तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफा किया जाएगा। मशीर खजाना मुजम्मल असलम के मुताबिक पेंशन में भी मजीद 10% इजाफा कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बजट में तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए तनख्वाहों में 10% इजाफे करने का ऐलान किया। लाहौर हाई कोर्ट का स्मोक का बायस बनने वाले ईंटों के भट्टों को फौरी गिराने का हुक्म। अदालती हुक्म में लिखा गया है कि ईंटों के भट्टों पर अदालती हुक्म की सख्त खिलाफवर्जी हो रही है, जिसका जिम्मेदार महकमा माहौलियात है। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा और डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात को आखिरी वार्निंग दी जा रही है। पुरानी टेक्नोलॉजी पर चलने और काला धुआं छोड़ने वाले भट्टों को नोटिस लेकर फौरी तौर पर गिराया जाए। इलेक्शन मनसूख करने की बात हो रही है, ऐसी सूरत हाल का भरपूर दफा करेंगे। वजीर दफा ख्वाजा आसफ ने इंकशाफ किया है कि मुल्क में इलेक्शन मनसूख करार दिए जाने की बात हो रही है। सरगोशियां ये भी हो रही हैं कि अक्टूबर में अदालत में इलेक्शन से मुतलक दरख्वास्त आ जाए तो निपट लेंगे। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसफ का कहना था कि मुल्क में गैर यकीनी माहौल है, जिसमें सियासतदानों के साथ साथ अदलिया का भी हिस्सा है। पाकिस्तान FIA ने सनम जवेद की रिहाई के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से रजू कर लिया। FIA प्रोसिक्यूटर शेख अमर अदालत के सामने पेश हुए और मौकफ इख्तियार किया कि हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है या दरख्वास्त आती है इस पर FIR कर सकते हैं। ट्विटर का अकाउंट अमेरिका से चलता है तो वहां जाकर रिपोर्ट नहीं करेंगे। कोटा सिस्टम के खिलाफ जारी एहतजाज में हलाकतों की तादाद 32 तक जा पहुंची। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमीन में कोटा सिस्टम के खिलाफ जारी तुलबा के एहतजाज में हलाकतों की तादाद बढ़ने लगी। गैर मुल्की खबर एजेंसी का अस्पताल जराए के हवाले से बताना है कि कई रोज से जारी पुरतशद्दुद एहतजाज में मुजाहरों में हलाकतों की तादाद 32 तक जा पहुंची है। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक कई शहरों में पुलिस और मुजाहरीन के दरमियान झड़पें हुई। मुजाहरों में आज हलाक होने वाले अफराद में एक सहाफी भी शामिल है। मुकामी मीडिया के मुताबिक झड़पों में 2500 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। इंग्लैंड ने टेस्ट क्रिकेट में मुनफरद आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। ब्रेंडन मुकल्लम के कोच बनने के बाद टेस्ट क्रिकेट में अपनी जारहाना बैटिंग की हिकमत अमली से मशहूर होने वाली इंग्लिश क्रिकेट टीम ने टेस्ट क्रिकेट में 3350 बनाने का रिकॉर्ड कायम कर दिया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ इंग्लिश टीम की इनिंग्स का आगाज हुआ तो जैक क्रॉली तो 0 पर आउट हुए, लेकिन बैन डकट और ओली पॉप ने जारहाना बैटिंग करते हुए सिर्फ 4.2 ओवर्स यानी 26 गेंदों में टीम का स्कोर 50 रन तक पहुँचा दिया। ये टेस्ट क्रिकेट की तारीख में किसी भी टीम की जानिब से 3350 स्कोर है।
हार्दिक पांड्या और अहलिया नताशा के दरमियान अलहदगी हो गई। हार्दिक पांड्या और नताशा ने समाजी रबते के प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपनी अलहदगी की तस्दीक कर दी। अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में इन दोनों का कहना था कि 4 साल साथ रहने के बाद इन दोनों ने अलहदगी इख्तियार करने का फैसला किया है। बयान में हार्दिक और नताशा ने मजीद कहा कि इन दोनों ने मिलकर अपने रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश की और ये कि इन्हें यकीन है कि अलहदगी का फैसला इन दोनों के लिए बेहतरीन मुफाद है।